बड़ी समस्या पट्टों की हमारी पंचायत में। अच्छा, पट्टा किसी को नहीं मिला आज नहीं तक। 22 विभाग है टोटल काम है जका अठवे, 22 विभाग है जका अभी मौजूद है। एक्चुअली सरकार है वो पक्षपात की नीति अपना रही है, तो लोगों ने लाभ मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। हाँ। तो उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, इसमें क्या बात है। राम राम नमस्कार, मैं सुदेश और थे देख रहे हो झलको बीकानेर। झलको बीकानेर पर थारो स्वागत है। आज मेरी यात्रा है जो प्रशासन गावांग संघ है, जो पहलो एपिसोड है वो बलोरियो है जो स्टार्ट हो रहा है। आंकलन कर बताऊंगा थाने की कितो कारगर है, जो साबित है। मेरे साथ सरपंच साहब है, प्रधान प्रतिनिधित्व है और उप प्रधान भी मेरे साथ जुड़े रहे। सब पहला मैं भलूरी गांव में जगह सरपंच साहब है बहु में बातचीत करूंगा। राम राम जी, धन्यवाद सुदेश जी आपका। आप पहली बार शुरुआत हमारे भलूरी ग्राम पंचायत से कर रहे हो, बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपके उज्जवल भविष्य की मैं शुभकामना करता हूँ। यहाँ काम वगैरह हो रहा है को नहीं हो रहा है? देखो सर, काम वगैरह तो नहीं हुए हैं, उसका कारण ये है कि एक्चुअली सरकार है वो पक्षपात की नीति अपना रही है। हमारे बल्लूरी के अंदर जेटी है, मैं उन्होंने आज तक हमें कोई एक भी एस्टीमेट बना के नहीं दिया है और हमारे 22 फील्ड चैनल के काम है वो आगे से स्वीकृत नहीं हो रहे हैं। तो और गाँव वालों को बहुत समस्या है, पट्टे की समस्या है सर। यहाँ लोगों को क्या है, आज प्रशासन गाँव के संघ के अंदर आवासीय पट्टे जो जारी किए जाने थे लेकिन ग्राम पंचायत बल्लूरी का कोई रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है सरपंच बलूरी के पास। हाँ। सिर्फ और सिर्फ बलूरी सरपंच मेरे बनने के बाद मेरे को 6 रजिस्टर दिए गए हैं, वो लिखित में ठीक है, कोई पट्टा बुक नहीं है, न ही कोई पुराना रिकॉर्ड है बलूरी ग्राम पंचायत का। नहीं तो सरपंच दुखी है तो फिर आम जनता को तो फिर मतलब कहना ही कहीं है सर। आम जनता का कोई धनी दोरी नहीं है। हाँ। आम जनता बहुत परेशान है। नमस्कार सुदेश जी। हाँ, राम राम। नहीं आगे पीड़ा जरूर सही है। कई लोग कर्मचारी है वो अनियमितता कर रहे हैं, तो इनकी बात जायज है, कोई इसमें शक की बात नहीं है। मारो एक्शन तो उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। सरपंच साहब ने मुझे अभी संज्ञान में डाला है तो मैं उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। इसमें कैसा क्या, अगर गलत कर रहा है तो भुगतेगा, इसमें क्या बात। कैंप में आई कहानी में नहीं, कैंप में तो कहानी अलग अलग हुआ है लेकिन इनकी बात जो पंचायत संबंधी बात है तो इनकी जायज बात है और जो लोगों ने लाभ मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है तो उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, इसमें क्या बात है। राम राम राम। सरपंच साहब और प्रधान जी के बता रहे थे। हाँ, परेशानी जरूर है, उन परेशानी के लिए अवगत करा आगू मंत्री महोदय अवगत करा आगे आगे बल्लूरी की जगह परेशानी है आ दूर करे। नहीं, एक कह रहे हैं कि एक विभाग इसको वो काम कर कौन रहे हो, पट्टाड़ो जो काम है तो मतलब वो हर कैंप में वही है या पट्टाड़ी? तो परेशानी लमसम हर एक पंचायत में है। पट्टाड़ी पुराना रिकॉर्ड उपलब्ध न होने की वजह पट्टाड़ी परेशानियां है, पुराना रिकॉर्ड उपलब्ध आंकने है को। हमारी ग्राम पंचायत बल्लूरी के अंदर जो प्रधानमंत्री आवास के लिए सूची जारी की गई थी, 70% सर लोग ऐसे हैं वो आवासहीन है, भूमिहीन है, मजदूर वर्ग से आते हैं, उनको आवास नहीं मिले। ठीक है, ये भी क्या है, यहाँ की दलगत राजनीति और जो यहाँ की कुत्सित मानसिकता है नेताओं की, उसकी वजह से हुआ है। यहाँ की गरीब जनता है, बॉर्डर एरिया है, पानी की समस्या है, तो सर यहाँ के लोगों को आवास नहीं मिले। यहाँ का मजदूर वर्ग है, इनको क्या मजदूरी के लिए प्लान करके जोधपुर बालोतरा वगैरह जाना पड़ता है, तो यहाँ की 70% आबादी है सर वो आवासहीन है, जो कच्चे आवासों में निवास करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2022 तक हर व्यक्ति को प्रधानमंत्री आवास के लिए जो योजना चलाई है, हमारी ग्राम पंचायत भल्लूरी उससे काफी पीछे है सर। यूँ है कि जनता को काम तो काफी बाकी है और पिछले एक साल हूँ तो बहुत ज्यादा बाकी है। जनता की पीड़ा नहीं देख रहे हो आप, आपको दिख ही रही है। तो ये शायद 25वां है, मैंने 25वां कभी अब्सेंट रखा ही नहीं, लगातार जनता के बीच में रह रहा हूँ, जनता का काम होना चाहिए। किसी अधिकारी ने अगर अनियमितता की है तो उसके खिलाफ, मैंने पहले भी बताया अभी भी बता रहा हूँ, उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। नहीं तो उच्च अधिकारियों को अवगत करवाऊंगा, कलेक्टर साहब से मैं बात करूंगा, एडीएम साहब से जो प्रभारी है उनसे बात करूंगा, जरूर इस पंचायत का जो भी कोई कमी रही है तो वो पूर्ति करे और पट्टा को निवारण कराए, इन लोगों को हक मिले, ये मेरी प्राथमिकता है। और 22 विभाग जगह भी गवर्नमेंट जो अशोक जी गहलोत साहब ने जो चलाई है, एक छत के नीचे जो प्रशासन गांवों की संघ, 22 विभाग एक ही जगह है, तो उन 22 विभागों को लोगों तक जो गवर्नमेंट की जो स्कीमा है, गवर्नमेंट की जो को भी लाभ पहुंचना चाहिए वो पहुंचना चाहिए, इसीलिए सरकार की मंशा अच्छी है, सरकार ने मंशा करके ये काम चलवाया तो ये होना ही चाहिए, इसमें अनियमितता कभी नहीं होनी चाहिए, यही मेरी बात है। बाबा जी क्या फर्म हरण फर्म हो गए, काम कौन हो रहे हो काम जो चल रहा है बड़े फर्म दिया जो आगे पत्तो पड़े। हाँ। ठीक है, दिव्यांग सर्टिफिकेट बने रहो तारो अब बनाए फार्म भरा है, अब भी फार्म भरा है अभी। कितना साल से वहाँ परेशानी है? परेशानी 10 साल में है। 10 साल से है तो अभी तक बने क्या कौन बनाए को 8 साल से मैंने कोई कसूर कही रखो। कोई सूचना था कोई घरे और जानकारी भी कौन कई को नहीं कैंप को नजारो है। कैंप के मायने अलग अलग विभाग है,
वे विभाग है जिसका भी मैं देख सकूं, लोग है जिसका, लोग लाइना में जिसका लागेड़ा है, ये विकलांग है, कुष्ठ रोगी है, अंधा है और ये बेरा है, इसके माँ बाप गरीब है, मानकासर का निवासी है, न तो इसके प्रति कोई सरपंच का दिखावा है, न इसके प्रति कोई गांव वासियों का दिखावा है। गरीब सुबह 10 बजे से यहाँ बैठा है, अभी मैंने इससे पूछा तो इसने कहा कि मेरा बच्चा यहाँ सो रहा है, बीमार भी है 6 महीने से, कोई इसकी सूद नहीं ले रहा है। जनप्रतिनिधि यहाँ आते हैं, यहाँ माइकों में बहुत बड़ा चढ़ा करके भाषण दे करके चले जाते हैं, ऐसे गरीबों का कोई हालात नहीं देखता है। इसके लिए मेरा निवेदन है कि इसका के नाम भाई साहब, मेरा नाम मेरा राम। इन बच्चे की दिक्कत है, बच्चे बोली आती नहीं है, चाली नहीं आती है, जिमता नहीं है, हंसता नहीं है, बोलता नहीं है, दिखता नहीं है। कितना साल से समस्या? 7 साल। रेड और रेड आंखें में और पूरे मतलब पैर है जो सीधा हो या पैरालाइज वो कहीं नहीं होते, हाथों पगों कुछ नहीं होते। मकान वगैरह बने डा करे? नहीं कहीं नहीं है, झोंपड़ी है। अभी आश्वासन था कह दियो, अभी मन के नहीं दिन मन के गिर बने को नहीं के सर्टिफिकेट है को नहीं। जो सोच के आए थे जैसा कि जो भरना है फार्म भरा है, तसली है मैं जिस चीज से कि जो इधर उधर घूम रहे थे उस हिसाब से नहीं हुआ, वो आज तसली है कि यहाँ हो जाएगा काम, एक ही जगह मतलब हो जाएगा। तो मुख्यमंत्री जी की एक योजना है, योजना कारगर साबित हो रही है मतलब? हाँ हो रही है, है ना, हो रही है। पूरा विभाग भी हटा है, पूरा विभाग 22 विभाग हटा है। थारो हो गयो के काम? हाँ जी हो गए, विकलांग कार्ड बने। थारो कितना परसेंट है? 60% बता रहे। 60%? हाँ 60% बता रहे। हो कौन अभी तक? हो गए कर दियो। हाँ जी। तो इतना साल बने ही कौन? नहीं। कितनी कौन सी क्लास में पढ़ रहे होते? मैं 11वीं पास की हुई। अच्छा, तो अभी तक जगह सरकारी जगह की सुविधा मिल रही बात है, उठाई को अभी तक फायदा उठाई को नहीं? नहीं उठाए। क्यों नहीं? ऐसे ही कोई मीटिंग हुई नहीं, उठाई जी नहीं। तो आज मतलब संतुष्ट हो गया, आज काम थारो हो चुके हैं? हाँ जी ओवर हो चुका है। बहुत ज्यादा दिन से अंतकाल है, आज कई दिन और पड़ी करे कौन पटोरी, मतलब आज दिन आज 3-4 साल हो गया। अठे पहली बार आया? पहली बार ही आया। पहले कोई गया के कैंप में? पहले कैंप को गया ना। वही लगे थाने? हमारा वही लगे। आज ये उम्मीद है भी हो सके? बहुत ज्यादा दिन ठीक ही है, गरीब आदमी गोता को पड़े। लेटरिंग बाथरूम वालों फॉर्म भरिया, वही कोई बारह हजार कोई आवास योजना दे, कोई सरपंच रटे 2-3 सालों कोई काम नहीं हो। जायज नाम थे 80 नाम थे वो कट गए। अच्छा, हाँ जो नहीं जायज थे उसका मतलब तो 22 विभाग टोटल का टोटल 22 विभाग है। तो थे अभी सुन नहीं रहे सर, अभी 8 बजे के आए हुए थे आपने देखे? अभी दुर्जन सिंह बोले उसके बाद में आए सब, उससे पहले कौन आया था? कोई नहीं आया, उसको खाना भी नहीं मिल रहा है, कोई नहीं सर। तो कठिन कठी थोड़ी बहुत है जो की अतिशोक्ति बिल्कुल है, थे क्या है डॉक्टर साहब? नहीं मूल निवास बनाना है डा साहब। क्या हो गया काम? या कौन है जी? हो जी उम्मीद है, उम्मीद पूरी है साहब, पूरी उम्मीद है। एक विभाग अगर अपन मना करे तो आप दूसरे विभाग के अंदर? 100%। बड़ी समस्या पट्टों की हमारी पंचायत में। अच्छा, पट्टा किसी को नहीं मिला आज तक। अच्छा, पट्टा आज तक ही कौन मिला? नहीं मिला। आज क्या आज उम्मीद है? अब देखो उम्मीद प्रधान जी पे है, सरपंच पे है, जनता पे है और आम जन का बहुत अच्छा कार्य हो रहा है, ठीक है? ऐसा कार्य कभी नहीं होगा, बहुत अच्छा काम हो रहा है और एक ही जगह सब काम हो रहा है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सरकार को, बहुत आग्रह है। कई लोग हैं जो बात कह रहे हैं कि हाँ भाई काम हुयो है, लेकिन कुछ लोगों की मानना है कि भाई काम है जो हुयो को नहीं। फिलहाल एक ही छत के नीचे 22 विभाग है और 22 विभाग एक साथ काम कर रहा है, लोग है जो आपको आपको काम कराने में मशगूल है। तो थे देखता रहा झलको बीकानेर, क्योंकि अब अपनी जो यात्रा है आप लगातार जारी रखांगा, क्योंकि 10-15 दिन है जगह बचेड़ा है कैंपांगा और इतना बाद में है जगह कैंप है जगह बाद में बंद हो जाएगा, जगह प्रशासन संगवांग अभियान है लगातार है जगह पीछे अनाउंस भी हो रहा है, लोगों ने बुला रहा है। तो थे देखता रहा झलको बीकानेर, नमस्कार।